हाय गाइस, दिख ही रहा होगा आपको पीछे साइड इतना बड़ा टीवी। एक्चुअली में मैं इस टीवी को कुछ टाइम से यूज कर रहा हूँ। ये कौन बोला? तो क्या मैंने सोचा क्यों ना इसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। तो करना। अच्छा, करता हूं। शुरुआत परफॉर्मेंस से करते हैं। लाइफ हो, गाड़ी हो, फोन हो या फिर कुछ भी हो, परफॉर्मेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? बात तो सही है। सो मैं आपको बता दूं, ये है रियलमी का टीवी, 43 इंच है, फुल एचडी टीवी है। देखो यार, हम तो परफॉर्मेंस वाले बंदे हैं, एंड सच बताऊं तो इसकी परफॉर्मेंस से आई एम इम्प्रेस्ड। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार जो दूसरे ब्रांड के टीवी होते हैं, जैसे कि मैंने नोकिया का टीवी यूज किया, एलजी का टीवी है, लॉन्ग रन में कई बार ये टीवी ना लैग करने लग जाते हैं। बट अभी तक मैंने इस टीवी को जितना भी यूज किया है, ऐसा लैग फील नहीं हुआ है, एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस अभी तक मुझे मिला है। ये देखो, जैसे इसमें मैं कोई भी एप्लीकेशन ओपन करता हूं, ये मैंने प्राइम वीडियो ओपन कर लिया, ये देखो स्मूथली ओपन हो रहा है। यूट्यूब ओपन करता हूं, ये देखो कितने मजे से ओपन हो रहा है। इसमें ना मीडियाटेक का प्रोसेसर दे रखा है, 64 बिट ARM A55 क्वाड कोर प्रोसेसर। लॉन्ग टर्म यूज में ऐसा कोई इश्यू नहीं आया। एक चीज अच्छी लगी कि ये आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता है। जो 1 GB की रैम दे रखी है, ये आई थिंक मेरे ख्याल से एप्स को हैंडल करने के लिए मोर देन इनफ है। नॉर्मल टीवी में आपको अप टू 1600 MHz क्लॉक स्पीड मिलती है, इसमें आपको 2133 MHz है, 8 GB रोम है। डिस्प्ले की क्वालिटी आप देख ही सकते हो, डिस्प्ले की क्वालिटी इज रियली गुड, काफी अच्छी क्वालिटी है। फुल एचडी एलईडी टीवी है, 43 इंच साइज है, 400 निट्स इसकी पीक ब्राइटनेस है। इस साइड से डिस्प्ले देखो, इसका विंग एंगल मुझे काफी बढ़िया लगा, आप खुद भी देख सकते हो, और ये राइट हैंड साइड से भी देख सकते हो। इसमें आपको 178 डिग्री का विंग एंगल मिलता है, विंग एंगल इज गुड। बट एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कई बार क्या होता है लॉन्ग रन में ना, ये साइड से जो डिस्प्ले है ना वो ब्लीड करने लग जाता है, बट इसमें ऐसा कोई इशू मुझे देखने को नहीं मिला। देखो पिक्चर की क्वालिटी आप देख ही सकते हो, रियलमी ने इसमें क्रोमा बूस्ट टेक्नोलॉजी यूज किया है। अब आप पूछोगे क्रोमा बूस्ट टेक्नोलॉजी ये क्या है? आपने रियलमी का फोन यूज किया होगा, क्रोमा बूस्ट आपको एक फीचर मिलता था, एक्चुअली में पिक्चर की क्वालिटी इंप्रूव कर देता है। सिंपल में समझाता हूँ, जो लोग रील बनाते हैं ना, आपने देखा ही होगा बिना फिल्टर के उनका काम नहीं चलता, खत्म, बाय बाय, टाटा, गया। तो वही जो फिल्टर लगा के उनकी खूबसूरती बाहर निकल जाती, सेम ऐसे ही कुछ समझ लो ये क्रोमा बूस्ट टेक्नोलॉजी। मतलब क्रोमा बूस्ट टेक्नोलॉजी में एडवांस एल्गोरिथम का यूज करके जो पिक्चर की क्वालिटी है उसे एनहांस इंप्रूव किया जाता है, ताकि आप जब भी टीवी में कुछ भी देखो, आपको जो पिक्चर क्वालिटी है, जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है, वो बेटर मिलना चाहिए। एक और चीज मुझे अच्छी लगी, देखो अगर आप सेटिंग्स पे जाते हो टीवी के, उसके बाद नीचे आते हो, उसके बाद पिक्चर मोड पे क्लिक करते हो, यहाँ पर देखो आपको टोटल 7 पिक्चर मोड मिलते हैं, गेम, मूवी, स्पोर्ट, विविड और ये यूजर। आप गेमर हो, आप गेम मोड सिलेक्ट कर सकते हो, मस्त रात में मूवी देखने का मूड हो तो ये मूवी मोड सिलेक्ट कर सकते हो, मैच देख रहे हो तो स्पोर्ट मोड सिलेक्ट कर सकते हो, और अगर आप मेरी तरह हो, ग्रीन एनर्जी सेव एनर्जी, तो ये देखो आप यहाँ पर आके एनर्जी सेविंग मोड स्टार्ट कर सकते हो। एनर्जी सेव से पैसा भी सेव होगा, पैसा सेव होगा तो पैसा ही पैसा होगा। इसके अगर आप बैक साइड में देखते हो तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, ये एक पॉलीकार्बोनेट बैक है, यानी कि प्लास्टिक बैक है। इवन जो इसका फ्रेम है वो भी प्लास्टिक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो प्लास्टिक का मटेरियल है वो काफी अच्छी क्वालिटी का है, काफी अच्छी क्वालिटी का ये प्लास्टिक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसमें रियलमी मेटल फ्रेम यूज करता तो ये ज्यादा प्रीमियम लगता, बट स्टिल कहूंगा जो बिल्ड क्वालिटी है वो अच्छी है, अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे प्लास्टिक यूज किया गया है, और लॉन्ग रन में ऐसा कोई इशू तो नहीं आया। अभी भी आप देख सकते हैं ये देखने में बिल्कुल न्यू लगता है। एक चीज मैंने देखा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नो वारंटी इफ डैमेज, मतलब गिर गया, टूट गया तो खत्म, टाटा, बाय बाय, गुड बाय। सारे जो कनेक्टिविटी ऑप्शन है वो आपको बैक साइड में मिलेंगे, जैसे कि एंटीना, ऑडियो पोर्ट हो गया लेफ्ट एंड राइट, वीडियो, हेडफोन जैक, डिजिटल ऑडियो आउट, नीचे ये HDMI है, और एक ये यहाँ नीचे की साइड में झुकना पड़ेगा, यहाँ पर आपको USB 2.0 पोर्ट है, एक HDMI है और HDMI 3 है, एक LAN पोर्ट है। यहाँ मुझे लगता है कि Realme को एक HDMI 2.0 पोर्ट देना चाहिए, जितने भी पोर्ट इसमें दिए गए हैं HDMI के वो सारे के सारे 1.4 है। 24 वॉट के क्वाड स्पीकर्स है, साउंड क्वालिटी, म्यूजिक बहुत लाउड है, साउंड क्वालिटी, ये अभी 50% वॉल्यूम है, देखा आपने कितनी लाउड इसकी साउंड क्वालिटी है। ये जो टीवी है 148 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक साउंड रिप्रोड्यूस कर सकता है। देखो मुझे इसकी साउंड क्वालिटी इतनी लाउड लगी कि मैं इतना कहूंगा कि आपको कोई भी अलग से साउंड बार स्पीकर्स ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 24 वॉट के चार स्पीकर्स आपको मिलते हैं, ये इनफ है। डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, एकदम सराउंड साउंड एक्सपीरियंस मिलता है। बाकी ये देखो इसका रिमोट कंट्रोल छोटू सा है, काफी कॉम्पैक्ट है, इसका इनहैंड फील भी बहुत अच्छा है, और ये बहुत ही हल्का है, फील ही नहीं होगा कि आपने हाथ पे रिमोट पकड़ रखा है, नहीं यार फील तो होगा, इतना भी हल्का नहीं है। आपको 3 हॉटकीज मिलते हैं, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और अमेज़न प्राइम। यूट्यूब प्रेस करते हो,
ये देखो YouTube ओपन हो गया, और ये देखो इसमें एक गूगल असिस्टेंट का भी बटन है। ये देखो इसका गूगल असिस्टेंट भी काफी फास्ट काम करता है। हे गूगल, प्ले धिनचक पूजा सॉन्ग। क्या कर रहे हैं यार तू? असिस्टेंट इसका काफी परफेक्टली वर्क करता है, फास्ट है, एक्यूरेट है, रिस्पॉन्सिव है। हे गूगल, ओपन यूट्यूब। ओपनिंग यूट्यूब। ये देखो ये टीवी एंड्रॉइड 11 पे बेस है, एंड्रॉइड टीवी ओएस वर्जन 11। और ये देखो एक इसमें गूगल असिस्टेंट के नीचे आपको क्रोमकास्ट बिल्ट इन का सपोर्ट है। स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर फेवरेट एप्स का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपके फेवरेट जो शोज है उस ऐप के, और उसके बाद यहाँ पर यूट्यूब की रिकमेंडेशन, आप चाहे तो ऐसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर अगर आप एप्स में जाते हो, ये देखो यहाँ पर आप प्ले स्टोर से भी एप्स को डाउनलोड कर सकते हो। वाओ, इवन अगर आप गेमर हो तो यहाँ पर आपको गो टू प्ले स्टोर में जाके, देखो यहाँ पर जाके आप गेम इंस्टॉल कर सकते हो और गेम्स भी खेल सकते हो। सो ओवरऑल कैसा है ये टीवी? टीवी को मैंने जितना भी यूज किया, जैसे फीचर्स है, जैसे इसकी डिस्प्ले है, जैसे साउंड क्वालिटी है, सच बताओ तो इसकी परफॉर्मेंस से आई एम इम्प्रेस। बट एक ही कमी लगे कि ये 4K नहीं है, बट इसका एक दूसरा वर्जन भी आता है 43 इंच में 4K, आप उसके साथ जा सकते हो, और लॉन्ग रन में भी ये टीवी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बाकी ओवरऑल अगर हम प्राइस के हिसाब से देखें, और जिस प्राइस पे आता है डेफिनेटली उस प्राइस को जस्टिफाई करता है। डेफिनेटली आप एक बार इस रियलमी स्मार्ट टीवी को चेकआउट कर सकते हो। बाकी यार एक लाइक तो बनता है, शेयर कर दो वीडियो, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।